खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में कलेक्टर ने रील, वीडियो और फोटोग्राफी के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों और पार्कों में रील बनाना प्रतिबंधित कर दिया है। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट पर एक युवती के रील्स बनाने के बाद कलेक्टर ने ये बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कलेक्टर की बिना अनुमति के इन स्थानों पर रील, वीडियो, फोटोग्राफी प्रतिबंध कर दी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर BNS 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। तो बात अमरवाड़ा उपचुनाव की। अमरवाड़ा विधानसभा सीट उपचुनाव को लेकर फैसला आ गया। उपचुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने 3027 वोट से जीत दर्ज की है। त्रिकोणीय मुकाबले में शुरू के 3 राउंड में बढ़त बनाने के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह लगातार दूसरे नंबर पर ही चलते रहे। कांग्रेस के धीरन शाह लीड बनाए हुए थे। एक बार तो लगने लगा था कि अमरवाड़ा में बीजेपी की हार हो जाएगी, लेकिन अचानक से समीकरण फिर बदले और बीजेपी के कमलेश शाह को 18वें राउंड में 800 वोटों से वो आगे निकल गए। इसके बाद 19वें राउंड में भी पकड़ बनाते हुए फाइनल 20वें राउंड में अपनी जीत दर्ज की। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार तीसरे नंबर पर रही। अंतिम राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस ने विरोध जताते हुए रिकाउंटिंग की मांग की। तो जीत का जश्न बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने मनाया। मरवाड़ा न केवल एक उपचुनाव था बल्कि एक बड़े कहें नैरेटिव का ये मामला था। दरअसल ये उस क्षेत्र से विधानसभा आता है जहां पर जो कि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, यानी कि छिंदवाड़ा लोकसभा की जो 7 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक अमरवाड़ा सीट है। और अमरवाड़ा की जीत पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि जनता का भरोसा सरकार और बीजेपी के संगठन के साथ है। पहले हम लोकसभा का चुनाव जीते और अब विधानसभा उपचुनाव में भी जीत दर्ज की है। वहीं जगदीश देवड़ा ने कहा कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि अगर वो ठान लें तो हर कुछ कर सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। जनता को देश की जनता को समझ में आता है कि कांग्रेस ने लंबे समय में सत्ता में रहकर समय खराब किया और मध्य प्रदेश में बीमारू राज का कलंक लगाने का काम किया था। उस काम को अब धोने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से किया है उसके कारण जो भी चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर दे रही है। उसी कड़ी पर ये सुशासन की जीत जो आज अमरवाड़ा के उपचुनाव में दर्ज हुई है, मैं अमरवाड़ा क्षेत्र की जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूँ, उनकी सूझबूझ के लिए उनको बधाई देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जश्न, अपार उत्साह, अटूट विश्वास। कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, गढ़ नहीं, जनता ने नकार दिया है, कोई गढ़ नहीं, अब गढ़ कहने की जरूरत नहीं है, बता दिया जनता ने, फैसला दे दिया कि आपने कुछ नहीं किया। छिंदवाड़ा में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार कर्ज, करप्शन और विज्ञापन की सरकार है। रिकाउंटिंग का आवेदन जो दिया था तो शासन प्रशासन के दबाव से सरकार इसको निरस्त कर रहा है
और हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहा है। कर्ज की सरकार है, करप्शन की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है। कर्ज की सरकार है, करप्शन की सरकार है, विज्ञापन की सरकार। तो अमरवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिया है। उन्होंने कांग्रेस की दोबारा मतगणना की मांग पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ये जो मुकाबला था काफी करीबी रहा है, क्या मानते हैं, क्या लग रहा है आप जीत का? देखिए, आज जो जीत हुई है इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये उन्हीं की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की काफी मजबूती के साथ कोई भी चुनाव लड़ती है, जिसे हमको देखने को भी मिला और उनके साथ काम करने का अवसर भी हमें मिला है और आगे चल के भी पूरे जिले में इसी तरह जीत हासिल होगी। कांग्रेस ने फिर से मतगणना की मांग की है। कांग्रेस का मामला ये हमारे साथ थे कमलेश शाह जी, जिनका कहना है कि भाजपा ने जो जीत दर्ज कराई है कार्यकर्ताओं की जीत है। राजेश करमेले, न्यूज 18 छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री और अमरवाड़ा प्रभारी संपतिया उइके ने जीत के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत की। संपतिया उइके ने कहा कि शासन प्रशासन और चुनाव आयुक्त सभी ने ईमानदारी से काम किया है। प्रदेश सरकार की मंत्री संपतिया उइके इस वक्त हमारे साथ हैं। अमरवाड़ा के उपचुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास थी और अब वो मेहनत रंग लाई है और आपके जो चेहरे पे खुशी इस वक्त नजर आ रही है उसकी गवाही भी दे रही है। सबसे पहले तो बधाई के लिए मैं हमारे उस क्षेत्र की जनता जनार्दन को देती हूँ और उनको मैं नमन करती हूँ कि जिनने हम लोगों को आशीर्वाद दिया और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुझे अवसर दिया, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुझे मौका दिया कि वहाँ आप जाकर के आप प्रभारी के रूप में काम करें, वो मैं सेवक के रूप में भूमिका अदा की हूँ। और जिस तरीके से ये चुनाव में सब लोग मिलकर के चुनाव लड़े, हमारे वहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, और उसी की जीत है आज हम लोगों को मिली है। और उस क्षेत्र में चूंकि विकास जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं था, तो जनता जनार्दन चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, सभी लोग माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कामों को, माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को समझ करके और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आए और लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में इनको हम यदि जिताते हैं तो हमारे क्षेत्र में काम होंगे, ऐसे भाव लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने काम किया और ये जीत माननीय मुख्यमंत्री जी की और संगठन की है। और निश्चित ही जिस तरीके से लोगों ने जो भी भावना से सोच करके हम लोगों को विजय श्री दिलाए हैं तो निश्चित ही उस क्षेत्र का अच्छा विकास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार उस क्षेत्र में गए, माननीय हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हो गए और ऑल ओवर सब लोग मिलकर के ये चुनाव को लड़े हैं और विजय श्री हम लोगों को हासिल हुई। और मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस जमीन पर संघर्ष करेगी। एनएसयूआई की अगुवाई में कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बड़ा आंदोलन करने जा रही है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने बताया कि कांग्रेस के दिग्गज नेता 15 जुलाई को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। कांग्रेस छात्र संघ चुनाव, नरसिंह घोटाले, नीट और अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। आशुतोष चौकसे ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह समेत कई दिग्गज नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की हमारी कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप, चाहे वो हमारे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी हो, चाहे हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंघार जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, हेमंत कटारे जी हो, जयवर्धन सिंह जी, तमाम जो हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उन सभी को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री निवास के लिए कूच करेंगे और सरकार को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वो एनटीए जो नीट की एग्जाम कराती है संस्था को बैन करे, नीट का एग्जाम फिर से कराए, नरसिंह घोटाले में जो दोषी हैं उन पर एफआईआर, उनको सजा हो और विश्वास सारंग जो मंत्री तत्कालीन उस समय के रहे हैं उनका इस्तीफा हो, अग्निपथ योजना बैन करे और छात्रसंघ चुनाव की मध्य प्रदेश में बहाली। और रीवा में पुलिस कर्मियों का शराब के नशे में हंगामा करने का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों से तू तू मैं करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत थे, जिन्हें दो अन्य पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठा रहे थे। बावजूद इसके
शराब के नशे में चूर पुलिसकर्मी लोगों से विवाद करने पर उतारू हुए। सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने संज्ञान लिया है और कहा है कि शराब के नशे में चूर पुलिसकर्मी के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कितना शराब पिया तू? मेरे को जेल के अंदर ले जा रहा था, जबरदस्ती खींच के ले जा रहा था वहाँ पीछे। अगर मैं लड़ाई करना चाहता हूँ तो मारे नहीं आया ना कौन मारे। इधर नरसिंहपुर में टोल नाके के कर्मचारियों ने एक युवक से मारपीट की। टोल कर्मचारियों की इस बेरहमी से पिटाई से दहशत का माहौल है। मामला नरसिंहपुर से लखनादौन नेशनल हाईवे के महमूदपुर टोल नाके का बताया जा रहा है। अभी तक कोई पीड़ित के सामने ना आने से मामला साफ नहीं हो सका है। वीडियो मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर और हम उस व्यक्ति की खोज कर रहे हैं, कौन व्यक्ति है, कौन सज्जन है, और टोल को भी हम चेक करेंगे कि उनके यहाँ उनके यानी सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उनके यहाँ क्या घटना घटित हुई है, और जो भी फरियादी आपके माध्यम से मैं उसे अवगत कराना चाहता हूँ तो आ जाए और हम उपयुक्त धाराओं में उसके पक्ष में वैधानिक कार्रवाई करें। और ग्वालियर में शादी के दौरान नारियल और बताशे कम पड़ने पर विवाद हो गया और जमकर कुर्सियां चली। मामला फूले का पूरा गांव का है, जहां पैर पुजाई के समय नारियल और बताशे कम पड़ गए। इसके बाद वधु पक्ष ने विवाद कर दिया। पहले तो इसको लेकर कहा सुनी हुई, लेकिन जल्दी ही मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान जमकर कुर्सियां चली। जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और विवाद को शांत कराया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शादी हुई। बेहट थाना अंतर्गत फूलेपुरा गांव में एक शादी समारोह में वर पक्ष और कन्या पक्ष के बीच लड़ाई हुई, कुर्सी वगैरह तोड़ फोड़ दी और जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। रात्रि लगभग 4 बजे सुबह की बात है। पुलिस ने 4-5 घंटे दोनों पक्षों को समझाया, उसके बाद फिर से दोनों की शादी हुई। नारियल और बताशे को लेकर विवाद हुआ था। खबर सीहोर से है। सीहोर में क्लास के दौरान एक छात्रा पर पंखा गिर गया। मामला आष्टा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां 3री कक्षा की छात्रा के सिर पर पंखा गिर गया। पंखा गिरने के चलते छात्रा घायल हो गई और उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की माने तो छात्रा के सिर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है और अब भोपाल में इसका इलाज होगा। जानकारी के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने भी घटनास्थल का दौरा किया और स्कूल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। फिलहाल मामले की पुलिस में कोई शिकायत नहीं हुई है। पुष्पा हॉस्पिटल स्कूल में कक्षा 3री की बच्ची के कक्ष में एक पंखा गिरा है। जैसे मुझे सूचना प्राप्त में गया था, बच्ची को अभिभावक और प्रिंसिपल भोपाल देखे गए हैं। अभी कैसी स्थिति है? अभी सूचना करके बताते क्या स्थिति है सर। ये घटना कैसे क्या हुई, कुछ जानकारी आई? ये वो पंखा लगा था, पंखे का नट टूटा, पंखा